हेलो एवरीवन, आज हम बना रहे हैं चॉकलेट पिज़्ज़ा जो बच्चों का बहुत फेवरेट होता है और बच्चों क्या सभी को बहुत पसंद आएगा। बहुत ही ज़्यादा चॉकलेटी बनकर तैयार हुआ है और बहुत टेस्टी, बहुत यमी है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने दो बड़े चम्मच मिल्क पाउडर लिया है और 2 बड़े चम्मच यहाँ पर मैदा ले लूँगी मैं। और पानी डालकर अब इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। और यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया है और बेकिंग पाउडर डाल दिया है। तो इस तरह से ये घोल तैयार है, बैटर तैयार है। अब एक पैन गैस पर रखा है, उसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला है और मैदे से उसको इस तरह से कोट कर देंगे। तो यहाँ पर पैन तैयार है, अब ये बैटर को हम इसमें डाल देंगे इस तरह से। तो यहाँ पूरा बैटर मैंने इसमें डाल दिया है और अब इसे ढककर के 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम इसे कुक होने देंगे। तो ये कुक हो चुका है, बनकर तैयार है ये बेस। अब यहाँ पे मैं इस तरह से, मैंने डेरी मिल्क चॉकलेट ली है 2, वो मैं इस तरह से मेल्ट कर रही हूँ गर्म पानी में रखकर। और ये चॉकलेट मेल्ट हो गई है तो इसको अब जो पिज़्ज़ा बेस हमने बनाया है उस पर स्प्रेड कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, उसको इस तरह से स्प्रेड कर देंगे चॉकलेट के ऊपर। अब यहाँ पर मैंने थोड़े से ओरियो के बिस्किट को इस तरह से तोड़कर ले लिया है तो उसको भी हम इस पर स्प्रेड कर देंगे। और ये जो चॉकलेट है, डेरी मिल्क चॉकलेट, उसको भी इस तरह से यहाँ पर लगा देंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़े से जैम्स ले लिए हैं तो ये भी इस पर रख दिया है। अब इसे हम ढककर 5 मिनट के लिए और कुक होने देंगे। तो इस तरह से ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा बनकर तैयार है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, सभी को, बच्चों को बहुत पसंद आएगा।